देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सिक्स ऐड करेंगे और माइनस सिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस सिक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ठीक है, माइनस सिक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, इनको हम सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे इनका, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू डी एक्स माइनस सिक्स तो कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे टू फॉर्मूले होते हैं। देखो टू फॉर्मूलाज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इसमें ए की वैल्यू क्या है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम फिर से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स है तो ए स्क्वायर की फॉर्म में तो रूट सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या, सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस सिक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, अब इसका तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन एक्स की जगह एक्स ही है और ए की जगह क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स, तो देखो एक्स बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इंटू में ही है ये। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि सिक्स प्लस ए स्क्वायर बाई टू सिक्स बाई टू थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सिक्स इंटू इसका क्या आ जाता है हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, थ्री माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, ये तो देखो सेम है, तो थ्री माइनस सिक्स माइनस ऑफ थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बस यहाँ पे हमें ये टू फॉर्मूले यूज करने हैं। ओके, इजी है।